आप सभी का वेलकम भारती क्लासेस में। आप आज की क्लास में हम आपको लॉग टेबल के बारे में बताएंगे कि हम लॉग को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो लॉग को कैलकुलेट करने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूं कि किसी भी वैल्यू का लॉग कैलकुलेट करते हो, जब लॉग कभी भी कैलकुलेट करोगे तो वो 4 डिजिट का आप मैक्सिमम लॉग कैलकुलेट कर सकते हो, 4 से ज्यादा डिजिट का आप लॉग कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, ओनली 4 डिजिट का ही लॉग आप कैलकुलेट कर सकते हो। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी डिजिट का आप लॉग कैलकुलेट करोगे वो डेसिमल में नहीं होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो डेसिमल में नहीं होना चाहिए। तो आपको लॉग टेबल कैलकुलेट करने से पहले मैं आपको यहां पर कुछ फॉर्मूले बता रहा हूं, वो फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉग को सोल्व करने के लिए। देखो, एक हमारे पास होता है लॉग ए इंटू में बी, एक होता है हमारे पास लॉग ए अपॉन में बी, और एक हमारे पास होता है लॉग ए की पावर बी। तो ये तीन फॉर्मूले जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन तीन फॉर्मूले के बेसिस पे हम बहुत सा इजीली क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो हम इन तीन वैल्यू के लिए मैं फॉर्मूला लिख देता हूं कैसे सोल्व करना है। इसको जब सोल्व करोगे तो ये आएगा हमारे पास लॉग ए प्लस में लॉग बी, इसको सोल्व करोगे तो ये हमारे पास आएगा लॉग ए माइनस में लॉग बी आएगा, इसको सोल्व करोगे आप ऐसे पावर में लिख सकते हो इसको, जब इसको सोल्व करोगे जो पावर होगी वो आगे आ जाएगी और ये हमारे पास बन जाएगा लॉग ए। तो आपको ये तीन फॉर्मूले याद होने चाहिए, इन तीन फॉर्मूले से हम पूरी लॉग टेबल को बहुत इजीली सोल्व कर सकते हैं, बहुत इजीली इसको हम लॉग टेबल को सोल्व कर सकते हैं। तो बट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तीन फॉर्मूले तो याद होने ही चाहिए, साथ में आपके पास लॉग टेबल भी होनी चाहिए। जैसे मैंने एक आपको एक डेमो के लिए, एक दिखाने के लिए भी लॉग टेबल कैसे होती है समझाने के लिए आपको यहाँ पर बोर्ड पे छोटा सा एक डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए वो रिप्रेजेंट किया है, बट एक्चुअली आपके पास लॉग टेबल कंप्लीट होनी चाहिए तभी आप इसको सोल्व कर सकते हो, बिना लॉग टेबल आप इसको सोल्व नहीं कर सकते। हम वो भी बताएंगे, बहुत शॉर्ट मेथड भी बताएंगे लॉग टेबल को कैसे इजिली सोल्व किया जाए, बिना लॉग टेबल के भी हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो अब हम आगे इसको सोल्व करते हैं। तो फॉर्मूले आपको सभी को पता चल गया होगा कि हम कभी भी लॉग को सोल्व करेंगे मैक्सिमम 4 डिजिट का ही लॉग सोल्व कर सकते हैं, क्लियर। तो जैसे आपको मैंने बताया, हम किसी का भी लॉग सोल्व करेंगे तो मैक्सिमम हमारे पास ओनली 4 डिजिट का ही लॉग सोल्व कर सकते हैं, ओनली 4 डिजिट का ही लॉग सोल्व कर सकते हैं। तो मैं एक बार आपको समझाने के लिए, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो जब भी आपको कभी भी लॉग सोल्व करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, जो पहली 2 डिजिट है, क्योंकि हम लॉग के 10 के बेस पे सोल्व करते हैं, ध्यान रखना जो भी लोग यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं वो हम 10 के बेस पे सोल्व कर रहे हैं, लॉग 10 के बेस पे, मतलब जो 2 डिजिट के बेस पे सोल्व कर रहे हैं, पहली 2 डिजिट है वो आप इसमें चेक करोगे, इस वाली लाइन जो फर्स्ट लाइन होगी, जब आप लॉग टेबल में देखोगे तो जो फर्स्ट लाइन है वो 2 के बेस पे चलेगी, 2 के बेस पे चलेगी, जिसमें जितने डिजिट होगी 2 डिजिट में होगी हमारे पास। जो हमारे पास 3rd डिजिट होती है सी, जो 3rd डिजिट है वो आप देखोगे, देखो मैंने यहां पर बना रखी है 0 से लेके 9 तक, इसमें देखोगे आप पहली 2 डिजिट तो इस लाइन में देखोगे, 3rd डिजिट वाली इसमें देखोगे, और जो हमारे पास 4th डिजिट होती है डी, वैसे इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, डी को आप रखो या ना रखो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट वैसे आपका यूज हो सकता है। तो 4 डिजिट को आप इसमें मेजरमेंट करोगे, फिर से बता रहा हूं, फर्स्ट ए और बी को आप इस 2 बेस में रिप्रेजेंट करोगे, सी को आप इसमें रिप्रेजेंट सर्च करोगे और डी को आप इसमें सर्च करोगे, आपको ये ध्यान रखना है। अब मैं आपको जनरल कोई भी एक एग्जाम्पल लेके दिखा रहा हूं इसी के बेस पे, देखो ध्यान से, मान लेते हैं आपको कोई भी लॉग सोल्व करना है, ध्यान से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कोई भी लॉग सोल्व करना है, आपको कैसे करना पड़ेगा,
जैसे हम कोई भी एक डिजिट ले लेते हैं, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रखा है यहां पर, कोई भी एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रखा है, जैसे मैंने कहा भाई इसका लॉग सॉल्व करो 34 और यहां पर हमारे पास क्या आएगा 4। ध्यान से सुनना, यही हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आपको इन चार डिजिट का लॉग सॉल्व करना है। आपसे पूछा जाए भाई इन चार डिजिट का लॉग बताओ, कैसे बताओगे? तो आपको सबसे पहले ऐसे मार्किंग करनी है, आपको समझाने के लिए आपको ऐसे मार्किंग करनी है भाई। देखो सीख जाओगे तो आप कैसे भी कर लेना, आपको सिखाने के लिए थोड़ा सा ध्यान से देखना यहां से। तो आप ऐसे सर्कल बना लो इनको, आपको भाई थोड़ा सा दूर से इजी दिखाई दे उसके बेसिस पे मैं थोड़ा इसको ज्यादा डार्क कर रहा हूं। तो आप देखो आपको एक चार डिजिट सर्कल की, तो मेरा आपको बता दो पहली दो डिजिट है वो इस वाले में सर्च करोगे, नेक्स्ट जो हमारी थर्ड डिजिट होती है वो इसके बीच में सर्च करोगे, फोर्थ डिजिट को आप इसमें सर्च करोगे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको सोल्व करने का, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सोल्व करने का, सबसे पहले आपको देखना कितने नंबर ऑफ डिजिट है, 1 2 3 4 आपको देखना नंबर ऑफ डिजिट। जब भी आप लॉग सोल्व करोगे तो सबसे पहले आपने देखना नंबर ऑफ डिजिट, तो आप कहोगे 1 डिजिट 2 डिजिट 3 4, तो आप कहोगे 4 डिजिट है, जितनी भी डिजिट है उसमें से 1 को माइनस कर दो, जितनी भी डिजिट है टोटल नंबर ऑफ डिजिट है उसमें से 1 माइनस कर दो। तो आपने देखा भाई टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितनी है 4 है, 1 2 3 4, तो उसमें से 1 माइनस कर दो। तो आपको कहोगे यहां पर तो 3 आ गया, आप लिखो 3 और उसके बाद डेसिमल लगा दो, उसके बाद क्या लगा दोगे डेसिमल लगा दोगे, 3 के बाद क्या लगा दिया डेसिमल। अब आप देखोगे नेक्स्ट 4, अभी 4 देखना कैसे है, आप देखो सबसे पहले यहां से ऐसे देखोगे भाई 30 था, आप देखोगे 30, ये 30 आ गया, आप कहोगे ये हमारे पास क्या आ गया 30 आ गया, आपने देखा 30 सर्च कर लिया। अब 30 के बाद आपके पास क्या है 4, आपने यहां पर फर्स्ट लाइन में देखा 30 और सेकंड में रेड वाले में आप 4 देखोगे, ऊपर से 4 में ऐसे आओगे और यहां से 30 में, तो जहां पर ये क्रॉस करेगा एक दूसरे के यहां से और यहां से जो आएगी वैल्यू वो नोट करना है। तो आपने देखा जो वैल्यू आई वो आई है 4829, जो वैल्यू आई देखो यहां से तो 30 पे गए आप, यहां पर 4 पे गए, दोनों यहां से ऊपर नीचे चल और यहां से जहां पर ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे वो वैल्यू हमें नोट करनी है। ये हमने वैल्यू नोट की कितना है 4829, क्लियर, ये आ गया हमारे पास। अब कह रहे लास्ट 4 डिजिट बची, अब इस पे भी देखो 4 पे भी इसी सीरीज में वहां पर 4 पे जाओ, ध्यान से देखो यहां पर 4 पे देखो, इस लाइन को थोड़ी और आगे पहुंचाओ और ऊपर से नीचे आओ, तो जहां पर आपको क्रॉस करे वो डिजिट नोट करना। ध्यान से देखा आपने देखा 6 है, तो आपको कुछ नहीं लास्ट में 6 को ऐड करना है, और ये मत करना ये 6 जो ऐड करे आप आगे ऐड कर दो, अब लास्ट वाली डिजिट में ही ऐड करना है, ओनली लास्ट वाली डिजिट में ऐड करोगे तो 5 आएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 3। तो हमारे पास ये लॉग सॉल्व होके आ गया, तो ये थे हमारे पास लॉग 3044 की वैल्यू, इस लॉग की जो वैल्यू आएगी हमारे पास ये आ जाएगी। तो आपको देखो ऐसे हम और भी आगे आपको सोल्व करके दिखा रहे हैं। नेक्स्ट हम आगे करते हैं, हम 3 डिजिट का लॉग कैलकुलेट करना बताते हैं। तो जैसे हम मान लेते कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं बताने के लिए, ये हमारे पास 3 डिजिट है 1 2 3, इसका लॉग कैलकुलेट करके बताओ। तो आप कैसे करो कितनी नंबर ऑफ डिजिट है 3, तो 3 में से 1 माइनस करोगे तो आपके पास क्या बच के आएगा 2, तो आप 2 लिखोगे और 2 के बाद क्या लगा दोगे डेसिमल लगा दोगे, तो आपको पता चल गया 2 के बाद क्या गया डेसिमल। आप फिर से वो देखोगे 2 डिजिट ये और सिंगल ये, आप इसके बाद क्या मान सकते हो 0 मान सकते हो, क्या मान सकते हो 0। तो आप क्या करोगे इसमें 30 पे तो इसमें देखोगे और 4 पे इसमें देखोगे, तो क्रॉस चेक करोगे तो आपको क्या आएगा 4829, पीछे तो 0 है उसमें कोई सर्च करने की जरूरत नहीं है।
तो थ्री डिजिट का हमारे पास लोग ये आ जाएगा। अगर बाय चांस आपको कह दिया जाए भाई लोग दो डिजिट का लोग निकालो, तो जैसे हमने कहा लोग 30 का डिजिट निकालो, तो आप देखो कितनी डिजिट है, ओनली 2 है, इसके बाद 0 हम मान सकते हैं। तो दो डिजिट है तो क्या हो जाएगा, 1 डेसिमल, क्योंकि 1 2 डिजिट में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, डेसिमल लगाएंगे, और डेसिमल लगाएंगे तो 30 में देखेंगे इसी सीरीज में, बस ओनली सीम देखेंगे, तो 30 पे कितना है, 30 पे देखो इसके बाद हमने क्या माना है, 0 मान सकते हैं हम इसके, तो 30 पे और 0 में ऐसे क्रॉस चेक करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4 7 7, तो हमारे पास लोग 30 की वैल्यू आ जाएगी। फिर से बता रहा हूं, जैसे हमने लोग 30 है तो इसके बाद 0 मान सकते हैं क्योंकि कुछ नहीं वैल्यू, तो 30 पे इस पे देखेंगे और यहां से 0 पे क्रॉस चेक जहां पर आएगा हमारे पास वो वैल्यू क्या लिख देंगे। अब जैसे आपको कह दिया जाए ओनली 1 डिजिट की वैल्यू निकालो लोग 3 की, तो आप इसके पीछे 0 तो मान सकते हो ना, और मैंने कहा लोगों को कैलकुलेटर हम 10 के बेस पे कैलकुलेट करते हैं, तो हमने तो 1 ही डिजिट है हमारे पास, तो ओनली तो हम 1 डिजिट में से 1 में से 1 करेंगे तो 0, तो हमने क्या लगा दिया, 0 और डेसिमल लगा दिया। अब हम इसके बाद 0 मान सकते हैं और ऊपर से ऐसे चलेंगे 30 और फिर 0 है, 0 पे कितना आया, 4 7 7, तो ये हमारे पास लोग किसकी वैल्यू आ गई, 30 की वैल्यू आ चुकी है। तो ऐसे हम किसी भी वैल्यू का लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो थोड़ा सा और भी कंफ्यूजन होता है उसको भी हम सोल्व करेंगे, थोड़ा सा और भी कंफ्यूजन होता है हम उसकी वैल्यू भी क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। अब यहां पर हम कुछ वैल्यू आपको सोल्व करके दिखा रहे हैं, देखो मैंने आपको तरीका बता दिया कैसे सोल्व करते हैं, और भी जी तरीका बताएंगे, थोड़ा सा मैं एक कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं पहले से। देखो लोग 1, लोग 2, लोग 3, लोग 4 आएगा, लोग 5, यहां तक एक मैं इनके लोग निकाल के बता रहा हूं आपको कितने आते लोग। लोग 1 की वैल्यू, लोग 1 की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, 0 0 0 होती है, लोग 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, याद रखना ये, आपको याद रखना ये वैल्यू आपको याद रखो, इन्हीं के बेसिस पे हम आपको बहुत सी वैल्यू याद करवाएंगे। लोग 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0, लोग 2 की वैल्यू ऑलवेज याद रखना 301 होती है, लोग 3 की वैल्यू होती है अभी निकाला था 477 होती है, लोग 4 की वैल्यू क्या होती है, देखो मुझे तो पता है आपको तरीका भी बताऊंगा सोल्व करने के लिए इसका, ये होती है हमारे पास लोग 6 4 की वैल्यू। अब हमारे पास आता है लोग 5 की वैल्यू कितनी होती है, लोग 5 की वैल्यू होती है 699, लोग 5 की वैल्यू कितनी होती है 0.699, ये तो आपको नोट कर लिया होगा। अभी मैं और इसके अलावा आगे और बता रहे हैं, लोग 5 तक हमने निकाल लिया है, आगे बताएंगे लोग 6 का, लोग 7 का, लोग 8 का, लोग 9 का, लोग 10 का, इनकी और बताते हैं इनकी वैल्यू क्या होती है। अब लोग 6 की वैल्यू क्या होगी, अगर देखा जाए लोग 6 की वैल्यू क्या होती है, अगर आपके पास टेबल है तो मैं आपको वैसे बता रहा हूं और एक तरीके से और बताऊंगा, जो लोग 6 की वैल्यू होती है वो होती है 0.778, जो लोग 7 की वैल्यू होती है हमारे पास 0.845, और जो 8 की वैल्यू होती है हमारे पास 0.903, और यहां पर पॉइंट लोग 9 की वैल्यू होती है 0.954। मैं आपको कुछ वैल्यू लिख रहा हूं, इसकी वैल्यू होती है 1, मैं आपको देखो कुछ लोग की वैल्यू दे रहा हूं और इनको सोल्व करके भी बताऊंगा आपको कैसे करना है भाई, याद कैसे करना है आपको, लोग 10 तक वैल्यू याद रखनी है, आपको लोग 10 तक वैल्यू याद रखनी है,
तो मैंने आपको स्टार्टिंग में कुछ फॉर्मूले बताए थे, उन फॉर्मूले को याद रखना। अब कैसे याद रखोगे भाई? मान लेते हैं आपको log 2 की वैल्यू याद आती है, कितनी है log 2 की वैल्यू आपको याद है भाई? देखो log 2 की कुछ एक वैल्यू तो आपको याद रखनी पड़ेगी जिससे आपको थोड़ा इजी हो। और आपको कह दिया जाए log 8 की वैल्यू फाइंड आउट करो, आपको ये वैल्यू याद है 8 की वैल्यू फाइंड आउट, तो आप log 8 को ऐसे रख सकते हो ना log 2 की पावर 3 भाई, लिख सकते हो नहीं? आप 8 को ऐसे भी तो लिख सकते हो या नहीं? लिख सकते हो। तो आपको फॉर्मूला याद आ गया होगा log 2, हम ऐसे लिख सकते हैं, मैं स्टार्टिंग से फॉर्मूले बताया था आपको। तो आपको पता है 3 इंटू में log 2 की वैल्यू क्या होती है, सोल्व करोगे आ गया आंसर। तो ऐसे आप किसी की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे आपको कह दिया जाए log 100 की वैल्यू निकालो भाई, जैसे आपको पता है log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, और आपको कह दिया जाए log 100 की वैल्यू निकालो, आपको कह दिया जाए log 100 की वैल्यू निकालो, तो आप log 100 को आप ऐसे नहीं लिख सकते हो 10 की पावर 2, लिख सकते हैं ना? तो आपको फॉर्मूला पता है 2 log 10, log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो आपके पास कितना आंसर आ गया 2 आ गया। आप ऐसे किसी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मैं स्टार्टिंग कहा भाई कोई भी डेसिमल है आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। जैसे आपको कह दिया जाए भाई आपको log 2 की वैल्यू फाइंड आउट करो, आपको कह दिया जाए log, अबे मैंने तो कहा भाई log तो डेसिमल होता ही नहीं, तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो 2 अपॉन में 10, फिर आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो 2 माइनस में log 10, लिख सकते हो नहीं? तो log 2 की वैल्यू आपको पता है 0.301, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, सॉल्व करो आंसर आ जाएगा। तो कितना आएगा आंसर इसमें से माइनस, माइनस की वैल्यू लग जाएगी आपके, तो इसके पास आएगा 996, माइनस का ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास, आएगा नहीं? तो ऐसा आप किसी का भी सोल्व कर सकते हो, जरूरी भी इसी का, आपको कोई और भी दे दिया जाए, मान के चलो आपको कोई और वैल्यू भी दे दी जाए, कैसे दे दी जाए, आपको कह दिया जाए भाई सर ने और तो सारे बता दिए log 15 की वैल्यू कैसे आएगी, आपको कह दिया जाए log 15 की वैल्यू निकालो, तो आप कहोगे 1 2, आपके ये वाली याद ही नहीं कुछ भी। मैंने कहा ना भाई हमें तो वो वैल्यू याद रखनी है जो आप बिना इसके भी कैलकुलेट कर सकते हो, तो आप इसको लिख सकते हो या नहीं 3 × 5 लिख सकते हो ना? ये हमारा क्या बन गया a, ये हमारा क्या बन गया b, तो आप इसको ये भी लिख सकते हो 3 + log 5 लिख सकते हो नहीं? क्लियर? इब आपको log 3 की वैल्यू रखनी है, log 5 की वैल्यू रखनी है, log 3 की वैल्यू कितनी होती है 0.477, log 5 की वैल्यू कितनी होती है 0.699, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ऐसे मैंने इसलिए आपको log 10 तक वैल्यू याद करवाई है जिससे हम बिना log टेबल के भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं, बट थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा इस चीज के लिए, आपको थोड़ा सा इसके लिए सोचना पड़ेगा। जैसे आपको कह दिया जाए, मैं आपको ये कह दूं, मुझे कमेंट करके बताना इसका आंसर, बताना log 500 क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, मुझे कमेंट करके बताना log 500 की वैल्यू आंसर क्या होगा। एक तो क्वेश्चन ही होगा हमारे पास, एक तो log 500 का आंसर बताना मुझे। अब log टेबल की भी यूज कर सकते हो, अब जैसे बताओ वैसे बताना। देखो शॉर्ट तरीके से करोगे तो और ज्यादा बेस्ट, आपको याद रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है, केमिकल काइनेटिक है, उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। एक दूसरा और दे रहा हूं थोड़ा सा डिफिकल्ट, एक थोड़ा सा और ज्यादा डिफिकल्ट दे रहा हूं, थोड़ा सोचना पड़े आपको कैसे उसको करना है, कैसे उसको करोगे, बिल्कुल इजी तरीके से देना, सोचना उसको कैसे हम कर सकते हैं। जैसे मैं इसमें लिख देता हूं, कोई भी लगा लो 5 2 5,
इन दो का हमें लॉग सोल्व करना है, आप मुझे बताओ इसका लॉग आंसर क्या होगा। बिल्कुल इजी से, बार बार देखो, अच्छे से देखो और लॉग टेबल को ध्यान से देखना, बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट पड़ता है केमिकल काइनेटिक में और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, और भी इलेवेंथ क्लास में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, बट इसलिए मैंने आपको थोड़ा शॉर्ट तरीके से इसको बताया। क्लियर?